ऑफ सिटी एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मा भट्ट, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि आज लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। मुझे लगता है जो लोगों की समस्या है वो लोगों ने खुद ही सुलझानी चाहिए, और इसलिए उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहाँ से लोग अपने ग्रीवेंसेस उन तक पहुँचा सकते हैं और वो उनको रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे। सर, वक्त का बदलाव बदल गया है, अब इस तरह की समस्या आज निकल के सामने है, सीनियर सिटीजंस थे, आज जैसे लोगों ने सुझाव दिया तो आमतौर पर यही लोगों ने कहा कि जो ट्रैफिक कंजेशन होता है खास करके सीनियर सिटीजंस को उसकी बहुत तकलीफ होती है। उसके अलावा उनकी डिमांड थी कि इस एरिया में एक फायर ब्रिगेड स्टेशन होना चाहिए और एक पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। ये उनके मेजर सुझाव थे जो आज के मीटिंग में उन्होंने सामने रखे हैं, और मुझे यकीन है कि वॉइस ऑफ सिटी इस इशू को जल्द से जल्द देने की कोशिश करेगा और लोगों को एक समाधानकारक उत्तर दे पाएंगे इसके लिए। सर, वक्त काफ़ी बदल गया है, लोग अपनी आवाज़ पहले अलग तरीके से उठाते थे, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है सर, और सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है आवाज़ उठाने के लिए, कितना कुछ इस पर ये आवाज़ उठाई जाएगी? देखिए, सोशल मीडिया अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ये है, क्योंकि आमतौर पे मुझे लगता है ये जो ग्रुप बनने जा रहा है ये एक प्रेशर ग्रुप रहेगा, क्योंकि जब सिटीजन्स एक साथ आते हैं तो वो एक प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं, क्योंकि जब लोग यूनाइटेडली खड़े रहते हैं तो उसका डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलता है। और जैसे फाल्गुनी ने कहा कि ये कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं करेगी कि ना अधिकारियों के साथ लड़ना है, वो सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये इसको जल्द से जल्द उसका समाधान करें, क्योंकि लोगों की तकलीफें हैं और जो वॉइस ऑफ सिटी अपन कहते हैं ये लोगों की आवाज़ है। लेकिन सर, एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, जब इतना बड़ा ग्रुप होगा, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तो कनेक्ट कैसे होंगे? व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट होंगे, फेसबुक के जरिए कनेक्ट होंगे, किस तरह से कनेक्ट होंगे? देखिए, सोशल मीडिया पे तो वो कनेक्टेड है ही, लेकिन आज आपने देखा होगा कि वो फिजिकली भी आज एक दूसरे के साथ उन्होंने मुलाकात की, एक दूसरे से मिलते रहेंगे, और मुझे यकीन है कि हर दूसरे महीने में वो एक दूसरे को मिलते रहेंगे और इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि जो कितना भी सोशल मीडिया हो, मुझे एज टीचर लगता है जो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि 1-to-1 आप लोगों के हाव भाव समझ सकते हो, उनकी जो परेशानियां उसको समझ सकते हो, तो सोशल मीडिया के अलावा वो डेफिनेटली 1-to-1 कॉन्टैक्ट रखेंगे। सर, गेली 40 वर्ष झालं, तुम्ही अंद्री विधानसभा असेल, वर्सोवा विधानसभा असेल, अनेक समस्यांना सामोरे गेलेले आहेत, आता एक समस्याचा डोंगर तुमच्या समोर येणार आहे, यावरती पूर्ण जी आपली टीम आहे ती कशी सामोरे जाईल? बघा, सोशल मीडियाद्वारे वेगवेगळ्या प्रकारची लोक येतील याच्यात, आणखी जसं आपण बघतो की जर सर्व पॉझिटिव्ह कामासाठी एकत्र आले, कारण बहुतेक सोशल मीडियाचा लोक गैरउपयोगसुद्धा करतात, पण मला वाटतं खरोखर ही जी स्थापना केली आहे व्हॉइस ऑफ मीडियाची, हे पॉझिटिव्ह काम करतील, आणखी याच्यावरती खरोखर पॉझिटिव्ह सुझाव येतील, आणखी याचा लोकांना परिणामसुद्धा भेटेल अशी मला अपेक्षा आहे। सर, आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे की ज्या वेळेस अंधेरी असतील, वर्सोवा विधानसभेतले जे प्रश्न तुमच्याकडे येतील, तर कुठेतरी विरोध हा राजकीय सुद्धा होणार आहे, आणि आता राजकीय विरोधाला आपल्याला सामोरे जावं लागणार आहे, तर कशा पद्धतीने तुम्ही हँडल कराल? कारण याच्या अगोदर सुद्धा तुम्हाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागलेले आहेत, पण राजकीय समस्या तुमच्यासमोर कधी आल्या नव्हत्या। मला वाटतं की राजकीय किंवा आपण राजकीय पक्ष असं म्हणतो, सर्वांना जेव्हा आपण लोकांना निवडून आणतो तर त्यांना सर्वांना लोकांना हीच अपेक्षा असते की लोकांनी त्यांच्यासाठी कामं केली पाहिजे, आणखी ते सुद्धा त्यांनासुद्धा लोकांना उत्तर द्यायला लागतं की आम्ही कशी त्यांची कामं करतो। तर मला नाही वाटत की जे चांगलं कार्य करत असतील त्याचे ते काही प्रॉब्लेम्स क्रिएट करतील, मला असं वाटतं की त्यांनी एकत्र येऊन लोकांची कामं केली पाहिजे, कारण त्यांची त्यांनी कामं केली किंवा लोकांनी केली तर खरोखर फायदा लोकांचाच होणार आहे, तर ह्याचे कुठे द्वेष किंवा लोकांना हे करण्याचा प्रश्नच येत नाही, लोकांनी एकत्र येऊन लोकांचं समाधान केलं पाहिजे। किस प्रकार से मतलब प्रकार वॉट एवर आई कैन हेल्प आई विल बी डेफिनेटली वर्क। मैं अपना काम के साथ साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारे कान तक भी आते रहती है, छोटी छोटी लोगों की समस्याएं, फाइनेंशियली नॉट फिट एंड ट्रैवल इश्यूज़, एम्बुलेंस नहीं मिलती उनको, जैसे कि सर ने मतलब आज वर्सोवा और सेवन बंगलो, इट्स अ वेरी बिग एरिया, बट आज सर ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि फायर ब्रिगेड नहीं है, उनको यहाँ पर
बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, लोगों से मिलने के बाद ज़्यादा पता चल रहा है। तो मेरे लिए भी मुझे ऐसे लग रहा है कि हर चीज़ें, छोटे से छोटा इशू इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली द ट्रैफिक, आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ मुंबई एंड आई थिंक सो इट्स एवरीवेयर, इट्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स वेरी नॉर्मल। बट हर एक, जैसे कि इन्होंने सीनियर सिटीजन को लेके बोला, सोशल मीडिया को लेके बोला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर आपको मदद चाहिए लेकिन मिलती नहीं है, चाहे लीगल इश्यूज हो, चाहे पारिवारिक इशू हो, एंड एनी काइंड ऑफ हेल्प दैट यू नीड, आई थिंक वॉइस ऑफ सिटी इज गोइंग टू हेल्प। कलाकारों की काफ़ी समस्या आती है, उनका पेमेंट सही समय पर नहीं मिलता है, वैसे भी समस्या है कि ऐसी भी समस्या यहाँ पे आ सकती है। अब तो कोई प्रोड्यूसर ऐसे नहीं करता है, सिमटा इज जिंदाबाद, और फिर आप लोग भी छोड़ते नहीं हो, बराबर कूद देते हो, तो आपके डर से मुझे नहीं लगता वॉइस ऑफ सिटी में आने की जरूरत पड़ेगी उस चीज, बट यस इफ रिक्वायर्ड आई थिंक फाल्गुनी इज देयर एंड वॉइस ऑफ सिटी इज गोइंग टू हेल्प फॉर श्योर। आपके कौन से मुद्दे है जो मतलब सोसाइटी के लोगों के लिए? मेरा मुद्दा तू है, जब भी आता है लेके आता है। हमारी सोसाइटी को लेके अगर बात करो तो डेफिनेटली रोड्स आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका टाइम आधा सिर्फ ट्रैवलिंग में चला जाता है। इट कैन बी मोर इजी, और मेट्रो बन रहा है, बट मेट्रो के साथ साथ वाटर लॉगिंग भी बहुत बार हो जाता है। बॉम्बे इज आई थिंक वेरी फेमस बारिश में भर जाना, और फिर बच्चे मतलब कई बार बह जाते हैं, पता नहीं चलता है जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं सब हमारे तक पहुंचती। तो मैं तुम तक आऊँगी बताने, और तुम सॉल्व करना, फिर वॉइस ऑफ सिटी में हम लोग ये क्लियर करेंगे। सर आप क्या कहना चाहोगे? सर नहीं, राखी सावंत के प्रॉब्लम के बाद वाकई में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। काफी लोग मुझे पकड़ पकड़ के बोलते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर, देखो पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार कि हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि सोशल मीडिया इतना वास्ट हो गया है कि आप मेरे इनबॉक्स में जाएंगे तो डेली कम से कम 25 से 50 मैसेजेस आते हैं कि आपने राखी की मदद की, आपने इसकी मदद की, आपने उसकी मदद की, लेकिन हमारी मदद नहीं करते हैं, आपके सिर्फ टिक ब्लू टिक वालों की ही मदद करते हैं क्या? तो ऐसा नहीं होता है। देखिए जहाँ तक हमारी पहुँच है, एक लिमिटेशन है, हम उतने काम कर सकते हैं, और इसी के लिए फाल्गुनी ने आज ये एक एनजीओ फॉर्म किया है जो जिसकी मदद शायद हम नहीं कर पाते, वो ये संस्था कर पाएगी। ये संस्था तक मैं उनकी मजबूरियां पहुंचाऊंगा और उनकी तकलीफों को पहुंचाऊंगा, एक ब्रिज का काम करूंगा मैं, ताकि उनका और इनका जो गैप बना हुआ है वो पूरा किया जा सके। मेरा ना सवाल फाल्गुनी जी आपसे ही होगा, क्योंकि मेरे सवाल का उत्तर आपके पास ही होगा। बहुत बार ये होता है कि सवाल जो है हम उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, लेटर देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसका सलूशन नहीं निकलता है। तो जब वो सलूशन नहीं निकलेगा फिर आप क्या करेंगे? देखिए मुद्दा तो बहुत सालों से, जमाने से आप देखते आ रहे हैं, मुद्दे बहुत हैं, कई मुद्दों के तो सॉल्यूशन होते हैं, मिलते भी और कहीं के नहीं मिलते। हमारी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग होगी, एक टीम होगी जिसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा और सहयोग भी हमेशा लगेगा। मैं चाहूँगी कि आवाज़ गूंजती है, उसको आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए उस तरह की हमें चीज़ें करनी पड़ेगी। हमें कोई मशाल लेके दौड़ना नहीं है, हमें कुछ किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें किसी से झगड़े नहीं करने। सोशल मीडिया और मीडिया एक इतना इजी जरिया बन गया लोगों तक पहुँचने का और लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने का। आज हम घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ट्वीट में टैग करके उन तक हमारी समस्याएं पहुंचा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, माड़ा को, SRA को हम टैग करके हमारे प्रॉब्लम्स रखते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व भी हो जाते हैं। जो नहीं होंगे तो हमारी टीम काफ़ी मजबूत रहेगी, उसमें लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, एजुकेटेड लोग हैं, एजुकेशनिस्ट है। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, पत्र व्यवहार तो नहीं करेंगे, हमारी टीम रोज़ कोई ना कोई ज़रिए से कोशिश करेगी कि हम उन तक पहुँचें, अथॉरिटीज़ तक पहुँचें, हमारी आवाज़ पहुँचाए, और पूरा कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।